हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लेवरफुल रेखा किचन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी, कच्चे आम की चटनी या कच्चे आम की लौंजी और कच्चे आम का शरबत। तो आपने बहुत बार पिया होगा, तो एक बार ये मीठे आम की ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। एक की जगह आप चार रोटियां खा जाएंगे तो ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और बताना कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप भी मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीठे आम की ये चटनी बनाने के लिए लिए हैं मैंने यहाँ पर दो आम, तो ये आधा किलो के दो आम हैं। इसमें से मैं आज एक ही आम का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो चटनी बनाने के लिए मुझे एक ही आम की ज़रूरत है। तो अभी हमें क्या करना है, आम को अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। आम को जब भी हम खाएं, सबसे पहले आम को हमें क्या करना होता है कि पानी के अंदर आधा घंटा डिप करके छोड़ देना होता है, जिससे गर्म जो आम की तासीर होती है वो निकल जाती है और खाने में हमें आम नुकसान भी नहीं पहुँचाता। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, आम को धोकर पानी के अंदर अच्छे से डुबो दिया था और पानी से वॉश करके निकाल भी लिया है। तो अभी हमें आम के छिलके को हटा देना है चाकू से, आप पीलर से भी हटा सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, आम के छिलके को छील लेंगे। आज से पहले मैंने आम की मीठी चटपटी रेसिपी मैंने अभी तक शायद ही कहीं देखी होगी, आपने भी कहीं पर ही देखी होगी। पहली बार ये YouTube पर ये रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, तो इसे पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और जब भी घर में सब्जी ना हो और कुछ भी, मतलब कोई भी सामान बनाने के लिए भी ना हो, तो झटपट बन जाने वाली ये मीठे आम की चटनी आप एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। आम के सभी छिलके को हटा लेने के बाद आम को छोटे छोटे पीसेस में हमें काट लेना है, क्योंकि हमें कलबत्ते में आम की चटनी बनानी है। तो ये देखिए, आम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इस कलबत्ते के अंदर मैं ये चटनी बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास ये छोटे वाला ही था, तो इसी के अंदर ही मैं ये चटनी बनाऊँगी। कलबत्ते में बनाई हुई चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और ये मैंने लिए हैं दो लहसुन के जो हमें डालने हैं चटनी के अंदर, इससे चटनी का स्वाद बहुत ही बढ़कर आता है। सबसे पहले लहसुन को हमें बारीक बारीक कूट लेना है, जब तक कि ये अच्छे से फाइन पेस्ट जैसा ना बन जाए। लहसुन अच्छे से बारीक पेस्ट जैसे हो गया है, इसके बाद आम के जो हमने पीसेस काट के रखे थे उसे ऐड कर देंगे। आम को भी अच्छे से कूट लेना है। तो यहाँ देखिए, बारीक पेस्ट के जैसे हमने बना के तैयार कर लेना है। 1 से 2 मिनट में ही फाइन पेस्ट हो जाता है। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, मैंने यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, आप लाल मिर्ची ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं बच्चों के हिसाब से। मिर्ची अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्ची पाउडर कम भी ले सकते हैं। 1/4 स्पून डालेंगे सौंफ का पाउडर, इससे खुशबू तो अच्छी आती है और डाइजेशन में भी बहुत काम करता है, तो ये डालना बिल्कुल भी मत भूलना। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट में ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए, चटनी बनकर हो गई है तैयार। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं बाउल के अंदर। देखिए दिखने में कितनी माउथ वाटरनिंग रेसिपी लग रही है, खाने में तो सच में बहुत ही लाजवाब बनती है। एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, सच में आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो लीजिए, मिनटों में मीठे आम की तैयार होने वाली ये मीठी चटपटी खट्टी चटनी आप भी खाइए और अपने परिवार वालों को भी खिलाइए। हर दूसरे दिन आपको यही चटनी
बनाने के लिए बोलेंगे और आपके लिए भी गर्मी में बहुत ही आसान हो जाएगा ये रेसिपी बनाना। तो बस आज के लिए यही, नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।